क्या आप जानते हैं जब बेबी कंसीव होता है तो 9 मंथ तक बेबी की माँ के पेट में ग्रोथ यानी डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन सबसे पहले जो ऑर्गन्स बनता है वो बेबी का दिल यानी फीटल हार्ट बनता है जो कि 6 वीक पे अपीयर हो जाता है। 6 वीक पे बच्चे की दिल की धड़कन हम अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिखा अग्रवाल और आज हम डिस्कस करते हैं कि बेबी की फीटल हार्ट अल्ट्रासाउंड में कब डिटेक्ट किया जा सकता है। 6 वीक पे मीजोडम की कुछ सेल इकट्ठी होकर एक क्लस्टर ऑफ सेल्स बनाती हैं, यानी सेल का एक गुच्छा बनाती हैं जिसमें से ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ब्लड फ्लो स्टार्ट होने के बाद ही इन सेल से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है जिसे अल्ट्रासाउंड मशीन डिटेक्ट करती है और हमें बच्चे की धड़कन सुनाई पड़ती है। जो हम नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करते हैं, रूटीन अल्ट्रासाउंड में बच्चे की धड़कन 7 वीक्स पे यानी 1.5 महीने पे आ जाना चाहिए। अगर 7 वीक्स तक बच्चे की धड़कन नहीं आती है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो बच्चा लेट कंसीव करा हुआ है, मतलब कि डिलेड ओबुलेशन का केस हो सकता है। जिन लोगों के पीरियड टाइम से नहीं आते हैं उसमें ओबुलेशन थोड़ा डिलेड हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होती है कि माँ का ओबुलेशन लेट हुआ हो, इस वजह से बच्चे की ग्रोथ थोड़ा सा 1 हफ्ते लेट चल रही हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये मिस एबॉर्शन का केस हो सकता है, कि मतलब कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम 10 दिन के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड रिपीट करते हैं और पेशेंट से कहते हैं कि आप 10 दिन के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा। और 10 दिन के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करने पे चेक करते हैं बच्चे की धड़कन आ गई है या नहीं आई है। अगर बच्चे की धड़कन आ गई है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चे की धड़कन 8 वीक्स तक यानी 2 महीने तक अगर बच्चे की धड़कन नहीं आती है तो ये मिस एबॉर्शन का केस हो सकता है, मतलब कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है और बच्चा डेवलप नहीं हो रहा है। ऐसी माँ को साइलेंट मिस कैरेज हो सकता है और इस तरह की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की सलाह दी जाती है। परंतु ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी में जो नीचे से अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें बच्चे की दिल की धड़कन 5.5 वीक्स से 6 वीक्स के बीच में, मतलब कि 1.5 महीने से पहले ही, 1.5 महीने से 3-4 दिन पहले ही अपीयर हो जाती है। ऊपर से अल्ट्रासाउंड करते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी करते हैं, उसमें ये धड़कन 1 हफ्ते बाद अपीयर होती है, मतलब कि 7 वीक्स तक ये बच्चे की धड़कन आ सकती है। परंतु जो नीचे से अल्ट्रासाउंड करते हैं, TBS करते हैं, उसमें 6 वीक पे बच्चे की धड़कन आ जाती है। बच्चे की धड़कन नॉर्मली कितनी होती है? तो बच्चे की जो धड़कन होती है, फीटल हार्ट बीट होती है, वो 110 से 180 बीट पर मिनट होती है। मींस 1 मिनट में बच्चा 110 से 180 बार तक बच्चे का दिल धड़क सकता है और ये रेंज बिल्कुल ही नॉर्मल है। अर्ली प्रेगनेंसी में फीटल हार्ट रेट थोड़ी सी ज्यादा होती है, 170 से 190 के बीच में हो सकती है, लेकिन 3rd से 4 मंथ आते आते ये धड़कन 120 से 170 के बीच में कोई भी रेंज में हो सकती है। जब बच्चा मूवमेंट करता है तो उसकी धड़कन बढ़ जाती है, जैसे कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी धड़कन 10 से 20 मिनट बीट पर मिनट बढ़ सकती है। इसी तरह से बेबी में भी यही होता है, सेम प्रिंसिपल लागू होता है। जब बेबी मूवमेंट करता है, माँ के पेट में घूमता है, तो उसकी धड़कन थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर 120 है तो 140 बीट पर मिनट हो सकती है। और बेबी रेस्ट करता है, जब सोता है, तो उसकी धड़कन 20 बीट पर मिनट कम हो सकती है। और बच्चे की धड़कन हर घंटे में चेंज होती रहती है, उसकी पोजीशन के हिसाब से धड़कन चेंज होती रहती है। 6 वीक पे जो मीजोडर्म से कुछ सेल्स बनती हैं वो इकट्ठी होकर उसमें एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती हैं जिसको अल्ट्रासाउंड मशीन डिटेक्ट कर लेती है। तो बच्चे के दिल का फॉर्मेशन 6 वीक पे शुरू हो जाता है और बच्चे का दिल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और 16 वीक्स पे यानी 4 महीने पे बच्चे का हार्ट फॉर्मेशन पूरी तरह से हो जाता है, मतलब कि इसमें 4 चैम्बर, राइट साइड में 2 चैम्बर, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी 2 चैम्बर बन जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल बन जाता है। इन दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्व भी बन जाते हैं और उनकी जो वेसल्स होती हैं वो भी 16 वीक्स तक पूरी बन जाती हैं। तो चौथे महीने पे, 16 वीक्स मीन्स चौथे महीने पे बच्चे का पूरा दिल बन जाता है और इसके
बाद ही हम लेवल टू अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें देखते हैं और बच्चे के चारों चैम्बर ठीक से बने हैं या नहीं बने हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिलती है, थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।